एफ टी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा एस से लेके इनफिनिटी अगर मुझे FT की पता है, F S, और मुझे टी से डिवाइड करना है और उसकी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए becomes, जो right पे मेरे पास FT की निकली होगी मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा एस से लेके इनफिनटी तक सी एग्जाम्पल हियर सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टी डिवाइड वाला रूल लगेगा सो so, टी को छोड़ के बाकी जो कुछ बचता है मुझे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट चाहिए और जो भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा बाय दिस रूल सो ले द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ऑफ 2t माइनस कोस ऑफ 3t. तो अकॉर्डिंग टू द लिनियर सम, दिस इक्वल टू लेप्लेस ट्रांसमेशन कोस ऑफ 2t माइनस लेप्लेस ट्रांसमेशन ऑफ कोस ऑफ 3t. नो द लेप्लेस ट्रांसमेशन ऑफ कोस ऑफ 2t, दिस इज़ s पावन s क्यूब प्लस s क्यूब. s पावन s क्यूब प्लस 4, 2 क्यूब इ डिवाइड करना है तो टी से डिवाइड वाला रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे जो भी राइट right साइड पे निकला होगा मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एस से लेके इंफिनिटी तक सो दिस इज इजर तो माइनस अगर मैं t से डिवाइड कर रहा हूं तो जो राइट right साइड पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन निकली हुई है मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा एस से लेके इन्फिनिटी तक सो मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एस क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पेरीमीटर एस है तो राइट right साइड पे मैं एस के साथ इंटीग्रेट करूंगा से दिस इज एफ एक्स और ऊपर मेरे पास उसका डेरिवेटिव बनता हो और मुझे डिनोमिनेटर so तो यहाँ पे एसकेयर प्लस फोर है ऊपर एस है अगर इसका डेरिवेटिव नोट करूं तो दैट बिकम्स टू एस तो यहां से मैं टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ और टू मैं डिवाइड कर देता हूँ नाउ

इनडिटर्मिनेट फॉर्म और उस केसेस में मुझे क्या करना होगा जब भी इनफिन इन्फिटी का बने, और मुझे लिमिट इन की निकालनी हो तो मैं ऊपर से हाईस्ट पावर और नीचे से हाईस्ट पावर बाहर निकालूगा उसको कट करूंगा और बाकी में एस को इन्फिंट्री पुट करूंगा सो so, लेटर से एसकेयर बाहर निकालता हूँ तो दिस बिकम्स है एसकेर एसकेयर कट जाएगा नीचे बन गया वन प्लस नाइन अपो ऑन एसकेयर

जीरो है, बाय इन इज टर्म्स जीरो बन गई. तो सिमिलरली नीचे सो जीरो माइनस वन बाय टू सो माइनस वन बाई टू लॉगो एसके प्लस फोर एसके प्लस नाइन एज इट इज नाउ दिस माइनस अब इसको ऊपर